आपने जो चाइनीज को रखने के लिए वो आपने सिक्योरिटी देनी थी वो भी नहीं दे रहे, बल्कि आज मैं देख रहा था ट्विटर सोशल मीडिया पे चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफा हमारे वहां पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं या हमारे वहां पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाजत लेके आपको वहां पे बम्बारमेंट करनी थी। अब वहां पे दबाव बढ़ा है उन पर, चाइनीज पे दबाव बढ़ा है, ये मैं उस पर ट्विटर पर देख रहा हूँ, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज बड़े इंपॉर्टेंट थे वहां पे, उन्होंने पाकिस्तान अगर खुद नहीं हैंडल कर क्योंकि सकते। आज एक और बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है और वो कराची में हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी के बाहर चार लोग जान से चले गए। कुछ सर्टन हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चीन के साथ मामलात आगे बढ़ने लगते हैं, चीन के साथ कुछ चीजें आगे बढ़ने लगती हैं, तो फौरी तौर पर कहीं से कोई ना कोई अटैक हो जाता है। और हमें यह भी मालूम है कि इस तरह की तो दोस्तों, आपने रॉब क्लासरा का छोटा सा वीडियो देखा, वहाँ पर मैंने एक ट्विटर से स्क्रीनशॉट लेकर भी लगाया, जिस चाइनीज़ ने ये बोला है उसकी बात कर रहे हैं रॉब क्लासरा। इनडायरेक्टली चाइनीज़ ये बोल रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स आकर पाकिस्तान में BLA के ठिकानों पर हमला करेगी, तो पाकिस्तान की नंबर 1 फौज की उस टाइम पर क्या इज्जत रह जाएगी, मैं ये सोच रहा था। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। जय और हिंद। बड़े खूबसूरत इनके पीसेज आए थे वहाँ बलूचिस्तान के, बल्कि मैंने बड़ी कोशिश की थी, मिन्ना तरला भी किया था, लेकिन मेरी बात मानते सुनते कम ही हैं। लिखा मैंने नहीं। कहा नहीं, मैंने कहा ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं इनको एक आप उसमें किताबी शक्ल में लें, ये ज़ाय नहीं होने चाहिए, अखबार की ज़िंदगी एक दिन की होती है। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने कहा जी, क्योंकि आप कह रहे हो तो मैं नहीं मानूंगा, लिहाजा नहीं लिखी किताब इन्होंने, कोई और कह देता शायद लिख देते, ये 10 साल पहले की बात करो। सो इन्होंने बड़ा एक्सटेंसिवली उसको कवर किया है, और बलोच मसले को या इंसर्जेंसी को उनके इश्यूज़ को, मेरा ख्याल है इस वक्त जर्नलिस्टों में आमिर साहब से बेहतर कोई नहीं समझता होगा, जानता होगा। दो चार चीज़ें हुई हैं इसमें। एक तो मैं उनका प्रोफाइल पढ़ रहा था, इन्हीं का जिन्होंने खातून आके खातून के किसी बंदे को मारने के लिए तैयार करना, इसके लिए बड़ी शदीद किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन चाहिए आपको, ब्रेन वॉशिंग चाहिए, कोई बहुत बड़ी रीजनिंग चाहिए। अपनी अपनी ज़िंदगी तो आप ले ही रहे हैं, तो फेयर इनफ। बहुत सारे लोग चले खुदकशी कर लेते होते हैं, वो कन्विंस करके कैल करके एक उसमें कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी यूजलेस है शायद, लेकिन ये कैल कर लेना कि मैंने खुद को भी मारना है और साथ में कुछ और इनोसेंट लोगों को भी मारना है जिनसे कभी आप मिले ही नहीं है, जिनसे कोई दुश्मनी ज़ाती तौर पर आपको कभी फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ। एक होते ना दुश्मनी होती हैं, चले आप जाएँ तो आपको, और फिर आपके बच्चे हों, दो प्यारे से क्यूट आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, आप पढ़ी लिखी हों, मैं प्रोफाइल सारा देख रहा था उसके चीज़ों को, और फिर जाके आप ये काम करें तो इससे वो जैसे आमिर भाई ने कहा ना कि ये बड़े आपके लिए अलार्मिंग जैसे जो पहले हम सुनते थे कि मजहब के नाम पे इंडोक्ट्रिनेशन करना कितना आसान है, जो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि 14 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, ले जाते हैं एक मखसूस एनवायरमेंट में रखा जाता है, मुसलसल उनको हेट्रेड सिखाई जाती है टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स, टुवर्ड्स अदर मजहब या फिक्के या सेक्स वगैरह वट एवर ही हैं, कि उसके बाद वो ये समझते हैं एक हम उस पर होली मिशन पर हमने जाना है और हमने करना है। ये मीनार पाकिस्तान पे मैं देख रहा था पिछले हफ्ते की जो रैली हुई है वहाँ पे जलसा हुआ, एक बड़ी आपने वीडियो देखी होगी वहाँ पे चल रही थी, एक बाप कह रहा था कि मेरा लीडर अगर कहे तो मैं अपने बेटे का गला यहीं पर काट दूँ, ये सुना होगा सब लोगों ने सुना, इट वॉज शॉकिंग कि लोग कितने भी इवन उनको छोड़ें ना, मजहबी लोगों को छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें, नेशनलिस्टों को छोड़ दें, तालिबान को छोड़ दें, बलोचों को, दीगर लोगों को छोड़ दें, या पॉलिटिकल एक पार्टी का फॉलोअर कह रहा है और साथ में बच्चा खड़ा हो कहते मुझे कहें मैं यहाँ से जाकर छलांग लगा दूंगा मीनार पाकिस्तान से, वो कहेगा अपने बेटे को साथ बेचारे को पकड़े 8-10 साल को ऊपर कर कहता है कि अभी मेरा लीडर हुक्म करे इसको मैं मार दूंगा। आपको बता रहा हूँ कि लोग आपकी गुफ्तगू से, बातों से, इंडॉक्ट्रिनेशन से कैसे मुतासर होते हैं, जो लीडरशिप को या उन लोगों को जो इनको ब्रेन वॉश करें उनको समझ नहीं आते हम कर क्या रहे हैं, एक चीज। दूसरा, जो बलोचों के साथ आज उन्होंने बड़ी अच्छी बातें जैसे उन्होंने बताया, मुशाहिद ने भी लिखी हैं, इनके साथ जो दो चार बड़े इश्यूज हुए हैं जिनको नहीं समझने की हमने कोशिश, वो करेंगे भी नहीं खैर से, हमने बंगाल में भी ऐसे डील किया था बंगालियों को, और सेम ट्रीटमेंट हम वहीं पर रखे जा रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो सन ऑफ द साहल्स हैं, उनको हमने गद्दार बनाया हुआ है, और हम जहाँ पे जो बैठे हुए हम ज़्यादा महजब हैं, ज़्यादा हम इनके हैं। आपका जो फॉल आउट हुआ है सबसे बड़ा, मुझे याद है नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ पे बलोचिस्तान में, उन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, तो यहाँ मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स मैंने देखे थे, उन्होंने कहा जनाब ये बलोचिस्तान का मसला है आपकी फॉरन और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से, ये इंटरनल नहीं है, ये आपके एक्सटर्नल इश्यूज हैं जो इन्होंने भी अभी जिक्र किया, ईरान के साथ आपके कैसे तलुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके कैसे तलुकात हैं, इंडिया के साथ कैसे तलुकात हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर आपको हर्ट करने की वो कोशिश करते हैं। आपने सारे वहां से ये भाई हमारे फिर नाराज हो जाएंगे यहां पर, अगर ये अचकजई साहब इन कंपनी सारा बलो, आपने वहां से अफगानिस्तान से तालिबान जब वहां के अफगान ला के सारे आपने वहां बसा दिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी बना दिए, अच्छा फिर हम यहां से हम भी पहुंच गए सपोजली, अच्छा बहुत सारे लोग गए थे बलोचिस्तान को डेवलप करने गए थे, उनको वहां पढ़ाने गए थे, एजुकेट करने गए थे, हमारी साइड पे सराय इलाकों में से बहुत सारे लोग गए थे, आपके पंजाब में से गए, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई गए थे, उनके यहाँ जो आबादी का दबाव बढ़ा है, दे फेल्ट कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं,
यहाँ पे बहर से लोग आ रहे हैं, कुवैत अरब से, अफगानिस्तान से लोग आ गए, उन्होंने पूरा क्वेटा पे कब्जा कर लिया है, वो सारी जदादें वगैरह उन्होंने खरीद ली हैं, और बाकी जो उन्होंने आके एज ए रिएक्शन के तौर पर उन्होंने उनको सराइकियों को, पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग उनको मारना शुरू कर दिया। तब बेचारे हालांकि वो लेबरर थे जो गए हुए थे, उस्ताद थे, पढ़ाने गए थे आपको, आपको करने के लिए। सो उनके अंदर ऊपर से एक एक हम उनको लेके गए, चाइना गया है उसके डेवलपमेंट के लिए। बड़ा ज़रूरी था कि आप उनके साथ बैठ के कंसेंसस डिवेल्प करते। अच्छा, आप समझते हैं नहीं जनाब को हमारी टर्म्स में बात नहीं करना चाहते थे बलोच सेपरेटिस्ट, फेयर इनफ। तो फिर आपके पास इतना तो हो ना सिक्योरिटी प्रूफ, एक एक उसका फुल प्रूफ होना चाहिए कि आप फिर उनको सेव कर सकें जो लोग बहर से आप लेके आ रहे हैं। हालत आपकी ये अभी खबर में पढ़ रहा था, एसओपीज जो आ रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो आपने जो चाइनीज को रखने के लिए वो आपने सिक्योरिटी देनी थी वो भी नहीं दे रहे, बल्कि आज मैं देख रहा था ट्विटर सोशल मीडिया पे चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है। उन्होंने हर दफा हमारे वहाँ पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं, या हमारे वहाँ पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाजत लेके आपको वहाँ पे बम्बारमेंट करनी थी। अब वहाँ पे दबाव बढ़ा है उन पर, चाइनीज पे दबाव बढ़ा है। ये मैं आज उस पर ट्विटर पर देख रहा हूँ, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज बड़े इंपॉर्टेंट थे वहाँ पे। उन्होंने पाकिस्तान अगर खुद नहीं हैंडल कर सकता, हमें इजाजत है, हम जाएंगे उनको हैंडल करेंगे। सो अगर ये खतून जो है इतनी इंडॉक्ट्रिनेशन हुई है, मैं देख हुई कह रहा था कि उस्तानिया स्कूल में पढ़ाती हैं, दो बच्चों की माँ थी वो, अगर कराची की और उसमें कराची में रहती रही हैं, और हॉस्टल में रिहाइश है उनकी, और उन्होंने एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल की शायद स्टूडेंट थी, उम्र 30 साल है, और 2014 में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमएड किया, 2015 में उनकी शादी हुई है, उसके बाद महकमा बलोचिस्तान में वो हैं। ये उसमें डिप्राइव्ड वे से नहीं है, एक होते हैं ना जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनको पढ़ाई नहीं मिली, पसमानदा है बेचारे, उनके हकूक नहीं मिले, उनको ज्यादतियाँ नहीं हुई, वो एक बिगर नेशनल काज में गए। जैसे आपको याद है फलस्तीन गया था, मैं लैला थी जो उनका नाम आया था बहुत बड़ी, वो बनी सिंबल बनी उसका रेजिस्टेंस का, जिन्होंने शायद जहाज अगवा किया था इसराइली, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो सिंबल बन गई थी 80s में, मेरा ख्याल है लैला खालिद जी, बिल्कुल लैला खालिद। तो ऐसे आप अपने यहाँ ये जो लोग हैं जिनको पर्सनल वो ग्रीवेंसेस नहीं है, बट दे फील कि हमारे बलोचिस्तान पे हम बलोचों के साथ ज्यादती हो रही है, पर्सन मिसिंग हो रहे हैं, अभी हम देख रहे थे बलोच वो उठा रहे हैं, स्टूडेंट उठा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। सो ये रियासत जो है इसमें, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही थी, जो चीनी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आकर वो बीएलए के ठिकाने में हमला करेंगे, बमबारी करेंगे, इस तरीके की बात चीनी कर रहे हैं। ऑब्वियसली अब चीनी नागरिक इतने बड़े नंबर में मारे जा चुके हैं पाकिस्तान में, जब से ये बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, चीनियों पर खास तौर पर अटैक किया गया है बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके द्वारा। और चीनियों पर अटैक करने से ये फ़ायदा होता है, आपको भी पता कि पाकिस्तान के अगर किसी नागरिक पर अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक हफ्ते बाद पाकिस्तान के खुद के लोकल नागरिकों की क्या इज्जत है बेचारे आम लोगों की, उनको मारने से तो उनको कुछ ज़्यादा कुछ पब्लिसिटी मिलेगी नहीं, पब्लिसिटी चाहिए तो चीनी नागरिकों को अटैक करो तो दुनिया भर में पब्लिसिटी मिलेगी, चीन चाइना में जाएगी वो बात तो चाइना के लोग डरेंगे, तो बलूचिस्तान में जो सीपैक का प्रोजेक्ट चल रहा है वो बंद होगा। तो इस तरीके से वो बलूचिस्तान में हो या केपीके में हो या सिंध कराची में हो, हर जगह चाइनीज़ पर अटैक हुए हैं और बहुत बड़े नंबर पर हुए हैं। चाइनीज़ लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था एक चाइनीज़ बस में जा रहे थे, 9 इंजीनियर मारे गए थे और उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी भी मारे गए थे। तो आप समझ सकते हो चीनियों पर अटैक काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आपने देखा कि वो एक जो महिला है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी फैमिली है, उसके बावजूद भी उसको बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान के लिए कितना उसको मतलब दिमाग में होगा कि यार कैसे ब्रेन वॉश किया होगा उसको, किस तरीके से उसने अपने आप को उड़ाया चाइनीज़ जब वेन आ रही थी, वो आपको अगर फुटेज देखनी है तो आप जाकर ट्विटर या किसी सोशल मीडिया पर देखिए, यूट्यूब पर वो अपलोड नहीं की जा सकती, ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये रॉब क्लासरा बात कर रहे थे किस तरीके से पाकिस्तान ने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, इवन उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया और पुरानी बातें बताई, और बलूचिस्तान में जिस तरीके से दूसरी मतलब दूसरे स्टेट या दूसरे देश से लोग आकर बसे हैं वो भी पाकिस्तान की वजह से, उस बारे में भी बात की कि अफगानी वहाँ पर इतने ज़्यादा बस गए कि बलूचिस्तान खुद ही अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि अफगानिस्तान में भी जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी, जो जिहाद फैलाया गया था, उसका मेन रीज़न तो पाकिस्तान ही था, इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान को बर्बाद किया है, तो वो लोग भी बलूचिस्तान में आकर बस गए, तो बलूचिस्तान के लोग खुद ही अल्पसंख्यक हो गए, तो अब वो और मतलब आप समझ सकते हो कि और एग्रेसिव हो गए। दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। जय हिंद।